हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज के वीडियो में हम टिकटॉक टॉय गेम ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का हम डेमो दिखा देते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जैसे यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको इस प्लस स्क्रीन ओपन हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्लेयर्स चूज करने हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x3 में अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हार्ड एंड नॉर्मल आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अगर हार्ड करना चाहते हैं तो हार्ड प्ले कर सकते हैं, नॉर्मल। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस एंड आपको एक 0 का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जो भी यहाँ पे चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्रॉस पे किया और क्रॉस पे देख सकते हैं। और दोनों सिम्बल्स में जैसा कि आप यहाँ से एक नॉर्मल गेम होता है टिकटॉक टॉय में, यहाँ पे दो प्लेयर्स में ली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे 3x3 का हो गया। अगर AI के साथ खेलना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज किसी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपने आप ही ऑप्शन आ जाते हैं। और अगर आप किसी प्लेयर के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन में आपको फिलअप करना होता है। तो इसका डेमो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से शो हो रहा है। इसके बाद से यहाँ पे हेल्प में है, तो हेल्प में आप देख सकते हैं कैसे प्ले करना है। एंड 5x5 में मैंने किया। अब यहाँ से हम इसको 5x5 में प्ले करना चाहते हैं। इसका जो है आप देख सकते हैं नॉर्मल एंड हार्ड, तो यहाँ पे नॉर्मल वाले को हम प्ले करके दिखाते हैं। तो नॉर्मल में कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको 4x4 यहाँ पे आपको जो भी प्लेयर विन होगा और यहाँ पर आपका लॉस होगा, दोनों प्लेयर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर से आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे किसी फ्रेंड के साथ प्ले करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे यूजर्स बने हुए हैं, तो उस पर आप क्लिक करके उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे AI यानी कि आप कंप्यूटर के साथ प्ले करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे म्यूजिक है, तो म्यूजिक को अगर ऑन ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को हम अपने प्ले स्टोर पर भी अपलोड करेंगे। तो फिलहाल हम इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना आपको पहले दिखाते हैं कैसे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में इसको रन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं। तो यहाँ से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेनली आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है जब सोर्स कोड मिल जाएगा। तो इसके बाद ऐसे यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। कैसे इसको इम्पोर्ट करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। इसका जहाँ पर भी आप सोर्स कोड को रखेंगे इसको आपको यहाँ पर कर लेना है, इसके लोकेशन को कॉपी। तो ये एप्लीकेशन पेड है, आपको इसके लिए इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को, जब आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और जहाँ पे भी आपने कोड को रखा हुआ है उसके लोकेशन को सिंपल सा कॉपी कर लेना है। तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन, अगर आपके पास कोई वर्जन नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। सारा कंप्लीट स्टेप्स मैंने बनाया हुआ वीडियो, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पे भी सोर्स कोड को रखा हुआ था मैंने लोकेशन से यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे भी हमारा कोड है यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा कुछ इस टाइप का, देख सकते हैं। इसको यहाँ से कर लेते हैं एक्सपेंड और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस टाइप का अगर आइकन बन के आएगा तो आपको उसको चूज़ कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारा जो सोर्स कोड होगा यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। इम्पोर्ट होने के लिए मेनली कुछ नेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब भी आप इम्पोर्ट करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नेट का स्पीड काफ़ी अच्छा रहे। अगर आपका नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, एरर्स बहुत सारे आते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि आपका इम्पोर्ट हो रहा है सोर्स कोड। तो मेरा यहाँ से इम्पोर्ट हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऑनलाइन डिपेंडेंसी होती है। .gradle and .id आपके पास नहीं रहता है, वो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ही डाउनलोड करता है। तो अगर कोई भी सोर्स कोड रहता है उसमें अगर .gradle and .id की फाइल है तो उसको आप डिलीट करके ही इंपोर्ट करें, कोई भी सोर्स कोड हो, जिससे कि आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ही वो इंपोर्ट होता है, वो बेस्ट रहता है, उसमें ज़्यादा एरर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ से फिलहाल हमारा जो वर्चुअल डिवाइस है उसको हम कोल्ड बूट नाउबर कर लिया है मैंने, जिससे कि हमारा जो इम्यूलेटर होगा वो यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो भी रीस्टार्ट हो रहा है और हमारा जो सोर्स कोड है यहाँ से इम्पोर्ट हो चुका है। तो VS कोड भी होता है, विजुअल स्टूडियो कोड, आप उससे भी रन करा सकते हैं, कोई भी कोड होता है, बट हमें यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो पे हमें ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एडिटर अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करें।
फिलहाल मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो अच्छा लगता है, सो एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम वर्क करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सबसे पहले पैकेज नेम को चेंज करना आपको बताएंगे। तो पैकेज नेम अगर आपका किसी एक ही लाइन में कुछ इस टाइप का अगर आता है, तो इसको आप चेंज करने के लिए सिंपल सा थ्री डॉट आपको डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसको अनटिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हो जाएगा। फिलहाल हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। सबसे पहले पैकेज नेम होता है, तो पैकेज नेम आप यूनिक कैसे फाइंड करेंगे। यूनिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन सिंपल सा ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर का एक एप्लीकेशन जो कि फेसबुक ऐप है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पैकेज नेम होता है, यहाँ पे थ्री डिजिट्स में लिखना है, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉम डॉट, और यहाँ पर जैसे मैंने अब देख सकते हैं कॉम डॉट टॉय गेम डॉट ऐप, या फिर मैंने लिख दिया कॉम डॉट ऐप डॉट टॉय गेम। जो भी आपको लिखना है आपको यूनिकली यहाँ से आपको ऐड कर लेना। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इस पैकेज नेम के साथ अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये वाला हम पैकेज नेम यूज कर सकते हैं। तो आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको ऐसे ही पैकेज नेम पहले फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कि आप जब भी प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर सेम पैकेज नेम अगर अवेलेबल है उस पैकेज नेम के साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और वो अपलोड नहीं हो पाता है प्ले स्टोर पर। तो इसलिए बेटर है कि पहले ही आप चूज़ कर लीजिए कि आपका जो पैकेज नेम है वो यूनिकली होना चाहिए। तो इस तरह से हमने पैकेज नेम फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे कॉम हम रहने देंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे रिफैक्टर पर, क्लिक ऑन रिफैक्टर एंड रीनेम। हमने पैकेज नेम हमने चूज़ किया हुआ है, इस पैकेज नेम को हम सिंपल सा कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो कॉम ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें लिखना होगा ऐप, ठीक है। तो बाकी जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे पैकेज नेम को चेंज कर लेना होता है। तो यहाँ पर रिफैक्टर पर क्लिक कर देंगे और नीचे डू रिफैक्टर अगर आपको ऑप्शंस आता है तो आपको डू रिफैक्टर कर देना है, अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इस तरह से आपका पैकेज नेम चेंज हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेकेंड वाला है, तो उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा है, इसको भी यहाँ से हम कर लेंगे। लाइक यहाँ पे अगर टिकटॉक गेम अगर करना चाहते हैं, इसको हम इंटर करेंगे, तो हम देख सकते हैं ये वाला भी, ये पैकेज नेम मेरा अवेलेबल है। तो हम इस पैकेज नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, फिलहाल हम इस पैकेज नेम को चाहते हैं। पैकेज नेम में हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, लाइक पैकेज नेम जब भी आप यहाँ पे कोई भी चूज़ करते हैं, तो आपको बेस्ट रहेगा कि जो आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड ही आपका पैकेज नेम रहे, जिससे कि रैंकिंग में काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप इस फाइंड आउट करेंगे कोई भी पैकेज नेम। आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशंस का नेम है वो भी आपके पैकेज नेम के साथ ही ऐड हो जाए। तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी मैंने रिफैक्टर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे भी हमारा पैकेज नेम चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं दिख रहा है, तो आप परेशान ना हो। फिलहाल पैकेज नेम ऊपर चेंज होने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है बिल्ड डॉट ग्रेडल में, और यहाँ पर एप्लीकेशंस आईडी है, यहाँ पर पैकेज नेम यहाँ पर हमें चेंज कर लेना है। देख सकते हैं चेंज कर दिया मैंने, और इसके बाद यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो हमारा एप्लीकेशन आईडी पे देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल जो हमने अभी ऐड किया है कॉम डॉट ऐप डॉट टिक टॉय गेम, ठीक है, ये हमारा पैकेज नेम है, यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। जैसे यहाँ पे सिंक नाउ कर देंगे तो यहाँ पे पैकेज नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस तरह से आप पैकेज नेम को चेंज कर लेंगे किसी भी एप्लीकेशन में। उसकी सेकेंड टाइम है, सेकेंड बार यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे ऐप का नेम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएस की फाइल है, यहाँ पर जो आप एप्लीकेशंस का नेम ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, बाद में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैनर्स ऐड आईडी है, यानी कि यहाँ पे ऐड मूव का ऐड लग रहा है, इंटर्शियल आईडी यहाँ पे आपको लगेगा, इंटर्शियल ऐड आईडी। और इसके बाद यहाँ पे पब्लिशर आईडी यहाँ पे आपको ऐड करना है, वो आपको ऐड मूव से मिलेगा। ऐड मूव का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड मूव में कैसे ऐड आईडी क्रिएट करते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख करके अपना जो एडमोब का ऐड आईडी है और यहाँ पे जो भी आईडी है वो सारी आईडी आप क्रिएट कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, ओके, आप वहाँ से इसको कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है चेंज करना चाहिए आपको चेंज कर लेना है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो ईमेल है, ईमेल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया अपना। यूआरएल है, तो यूआरएल आपको हम बताते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल कैसे बनाते हैं। तो एक मेथड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है,
और दूसरा मेथड होता है कि गूगल साइट से आप प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। तो मैंने इसका कोई अलग से वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, तो फिलहाल हम इसमें आपको बताएंगे कि sites.google.com से आप कैसे अपना खुद का प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है sites.google.com, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जैसे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आता है। पहले आपको यहाँ पर ब्लैंक चूज़ कर लेना है, क्रिएट न्यू साइट्स, तो ब्लैंक पे हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे योर पेज टाइटल, यहाँ पे आपको अपनी टाइटल ऐड कर लेना है, अपने पेज की टाइटल्स। तो और इसके ऊपर यहाँ पे आप जो भी आपका एप्लीकेशंस है तो उसका नेम आप यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नेम हम लिख देंगे ऐप का नेम, फ़िलहाल यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, हम यहाँ पे ऐप का नेम नहीं रखना चाहते हैं। ये हमारी हो गई प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ऐसे आप डिस्क्लेमर का भी पेज आप यहीं से बना सकते हैं sites.google.com। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपका कोई ऐड नहीं आता है। और मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी हम पहले यूज करते थे, तो अब हम उसको यूज नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे sites.google.com से ही हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी इजीली बना सकते हैं, जिससे में कि हमें कोई भी ऐड नहीं मिलेगा और हम अपना खुद का कस्टमाइजेबल यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। तो काफ़ी बेस्ट है sites.google.com, यहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कीजिए। आप पहले जो क्रिएट करते थे उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप इसको यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, इसमें ऐड नहीं है, सबसे बेनिफिट है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज इमेज। तो यहाँ से अगर इमेज चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी इमेज को चेंज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास कोई इमेजेज पड़ी है या फिर टेक्स्ट पड़ी है तो वो टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कस्टम सारी चीज़ें मिलती है, यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज, डिस्क्लेमर्स, एवरीथिंग, वो आपको खुद से सारी चीज़ें टाइप करना होता है। तो अगर आपने पहले से कुछ टैम्पलेट बना के रखा हुआ है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का, तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, फर्दर एनी क्वेरी, कॉन्टेक्टस, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसका एक टैम्पलेट बना लीजिए अपने प्राइवेसी पॉलिसी का, और उस टैम्पलेट का जो टेक्स्ट है उस सारे टेक्स्ट आप यहाँ से ला करके पेस्ट कर सकते हैं, तो वो वैसे भी हो जाएगा। फिलहाल एक और हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ें टाइप नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे। तो इसको पहले हम अपने एप्लीकेशंस का लिख देंगे नेम। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम, टिकटॉक टॉय गेम ऐप प्राइवेसी पॉलिसी। इसमें आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एम्बेडेड लिंक भी ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड करनी होगी। लाइक अगर कोई पोस्ट आप लिखते हैं तो पोस्ट में जितना भी सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सब लिखा जाता है वही है, इसको सेट करना होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे हम जाते हैं न्यू टैब में, और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ टेक्स्ट है, इनबिल्ट टेक्स्ट, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लाइक हमारे पास एक वेबसाइट्स है, उस वेबसाइट्स का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका एप्लीकेशंस है उसका आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक टैम्पलेट आप बना लीजिए। जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, नो इशू, बस कंटेंट है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कीजिए। लाइक इन्होंने जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL दिया हुआ है उसको हम यहाँ से एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, इन्होंने भी sites.google.com पर ही बनाया हुआ है, तो इनका कुछ कंटेंट है वो हम करेंगे कॉपी, बट हम अपना जो ओरिजिनल sites.google.com है उनकी यूनिक आईडी होती है, वो आईडी है हम अपना ही यूज करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए हम इस कंटेंट को अपना साइट्स पे रखने वाले हैं। तो अपने साइट्स पे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं हमें बहुत अच्छा एक टैम्पलेट मिल गया प्राइवेसी पॉलिसी का। वो ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो टैम्पलेट है, जो टेक्स्ट टैम्पलेट है, किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। बस जो नेम होगा आप नेम चेंज कर लीजिए, और कुछ लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा रखनी चाहिए तो उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे और जहाँ पे भी अगर कोई और किसी का नाम दिया रहेगा तो वहाँ उसकी जगह पे रिप्लेस करके आपको अपना
एप्लीकेशन का नेम या फिर अपना नेम ऐड कर लेना है, डेवलपर का नेम ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जो दिख रही है उसको हम यहाँ पे चेंज करके अपने कंटेंट को ऐड करेंगे। तो अगर प्राइवेसी पॉलिसी का जो जितना टेक्स्ट है अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये कंप्लीट जो फॉर्मेट है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख करके इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो इशू, उसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप बस चेंज कर लीजिए, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कुछ और अगर यहाँ पे टेक्निक ड्यूड है तो आप अपना नेम लिख सकते हैं, अपने डेवलपर का नेम लिख सकते हैं या फिर आप अपने एप्लीकेशन का नेम लिख सकते हैं, बस इतना ही आपको चेंज करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो टेक्स्ट का टैम्पलेट है आपको मिल जाएगा, उसके बाद साइट और गूगल पे जाइए और वहाँ पे इस टेक्स्ट को फिर अपलोड कीजिए, इजीली आपका प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल बन जाएगा। बस जो आप थोड़ी सी चीज़ है उसको चेंज कर लेना। इसके बाद यहाँ पे पब्लिश करने के लिए यहाँ पे आपको वेब का एक एड्रेस देना होगा जो कि यूनिक होनी चाहिए, तो वेब एड्रेस में हम यहाँ पे देख लेते हैं, टिकटॉक टॉय यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा अवेलेबल नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं टेक्निक ड्यूड, तो हम देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे कुछ सेकंड की लोडिंग होगा, उसके बाद से यहाँ पे बता देगा कि जो है ये अवेलेबल है, यानी कि वेब एड्रेस है, मेरे लिए एक डोमेन टाइप होता है जो कि यूनिकली होनी चाहिए। इसको पब्लिश करना चाहते हैं, इस पर रिक्वेस्ट सर्च इंजन नॉट डिस्प्ले माई साइट्स, तो सर्च इंजन इस पर हम नहीं करना चाहते हैं, सिंपल से हम इसको पब्लिश कर देंगे। देख सकते हैं पब्लिश हो चुका है, व्यू पे जाएंगे और व्यू कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हमारा प्राइवेसी पॉलिसी ओपन होके आ रहा है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे कोई ऐड भी नहीं आता है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि प्राइवेसी पॉलिसी आप जनरेट करें तो आप अपना उसमें कोई ऐड नहीं आनी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है कोई भी अगर हमारा एप्लीकेशन है तो। ओके, तो इस तरह से अब हम अपना प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर पेज क्रिएट करने वाले हैं अगले जितने भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे, तो आप भी यही यूज़ कीजिए गूगल साइट्स का, तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से इसका हमें यूआरएल मिल जाएगा, इस यूआरएल को अब हम यहाँ से जहाँ पे भी यूज करना है वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर सबसे पहले अपलोड किया जा रहा है, वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल वहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे हमें यूआरएल इस तरह से फाइंड आउट कर लेना जो काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आपको समझ में आ गया होगा कैसे जनरेट करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, ये तो हो गया हमारा पैकेज का नेम मैंने चेंज करना बता दिया, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना एंड एप्लीकेशंस का नेम। इसके बाद यहाँ पे कलर्स है, तो कलर्स में आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप कलर्स चेंज करेंगे, कलर कोड को चेंज करेंगे तो आपके सारे एप्लीकेशंस में कलर कोड चेंज हो जाएगा। और कलर कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल से चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो बेसिक्स इमेज है, इमेज को हम चेंज करना आपको बता देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आप जाएंगे SRC एंड मेन के अंदर एसेट्स के अंदर सारी इमेजेस रखी हुई हैं, इस इमेज को आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने सोर्स कोड में जाएंगे, सोर्स कोड में जहाँ पे भी रखे रहेंगे और एसेट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको फाइल्स मिलेंगी, जितने भी फाइल्स हैं आप इसके बारी बारी से सारी फाइल्स को देख लीजिए। लाइक यहाँ पे CSS की फाइल है, तो CSS में CSS की सारी कोडिंग है, फॉन्ट में फॉन्ट है, इमेजेज में इमेज है, एंड JS की फाइल है, तो इन सब में आपको चेंजिंग नहीं करनी है, जो JS की फाइल है उसमें सारी प्रॉपर तरीके से उसकी कोडिंग की गई है, तो आपको उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। जो बेसिक चेंजेस हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे जो ऑडियो की फ़ाइल है फर्स्ट वाली देख सकते हैं, ऑडियो की फ़ाइल में ऑडियोज रहेंगे, तो अगर आप ऑडियो चेंज करना चाहते हैं तो आप गूगल से कॉपीराइट फ्री ऑडियो चूज कर सकते हैं। तो ऑडियो में हम एक बार ओपन करके दिखाते हैं, जिसका जो एक्सटेंशन है .oogg है, तो उसको आप देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एसेट्स में जाएंगे, इमेजेज में जाएंगे, इमेजेज के अंदर कुछ इतनी इमेजेज रखी हुई है, तो इस इमेज को आप यहाँ से देख सकते हैं, और void.png फ़िलहाल इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। JS की फ़ाइल है, इसमें आप कुछ ना कुछ मत कीजिए, HTML की फ़ाइल है, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जो URL है, यानी कि HTML फॉर्मेट में, TXT के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें आप कुछ बेसिक चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कुछ चेंज करनी चाहिए, कुछ नेम वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ चेक कर लिया, फिर भी आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहते हैं अगर तो आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे, और लास्ट में है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ से हमने अपनी ईमेल आईडी ऐड कर लिया,
एंड कंट्रोलर्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो चुका है, इसको मैंने कंट्रोलर्स कर लिया, सेव कर लिया। ये तो हमारी एसेट्स वाली फाइल हो गई। उसके बाद से आपको जाना RES में, यानी कि रिसोर्सेज फाइल्स में जाएंगे एक बार, और यहाँ पे ड्रावर फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे कुछ इमेज है, यहाँ पे आपको चेंज करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अबाउट आइकन, तो यहाँ पे आप अपनी आइकन्स ऐड कर लीजिए। और इसके बाद से स्प्लैश इमेज के अंदर, स्प्लैश इमेज में ये वाली इमेज शो होकर आ रही है, इस इमेज को भी आपको चेंज कर लेना है। प्ले स्टोर पर अपलोड करने से पहले इस इमेज को आपको चेंज कर लेना है। ओके, तो दोनों इमेज आप चेंज करने के लिए सिंपल सा आप कैनवा का यूज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगो बना सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट और है फ्लैट आइकन, वहाँ से भी आप अपने आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको इजीली बना सकते हैं। मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ कैनवा में कैसे इमेज को क्रिएट करते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, और फ्लैट आइकन से भी बहुत ईजी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख करके आप इजीली बना सकते हैं लोगो एंड थंबनेल्स, जो भी आपको इमेजेस बनानी है। फ्लैट आइकन एक बार ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्लैट आइकन में आपको मेरे लिए कोई आइकन्स मिलते हैं, आप अपने ऐप के अकॉर्डिंग कोई आइकन चूज़ करेंगे, उसको एडिट करेंगे। एडिट करने से पहले आपको लॉगिन करना होता है, लॉगिन कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, और उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट है, जो कि लोगों की जो साइज़ होती है 512 एंड 512 होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको अभी, अगर क्रिएट न्यू डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे लोगो अगर सेलेक्ट करेंगे तो लोगो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको लोगो डिज़ाइन करना आपको नहीं बता रहे हैं, आप लोगो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लीजिए। मैंने आपको वेबसाइट से दे दिया है, आप यहाँ से वेबसाइट से आप यहाँ से बना सकते हैं लोगो, बहुत ही अच्छे अच्छे जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है आपको सेम ही रखना है जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। साइज़ को रिसाइज करने के लिए आप पेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि सारे लैपटॉप्स में अवेलेबल रहते हैं, या फिर ऑनलाइन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इमेज, आप वहाँ से सारी इमेज को चेंज कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं लेआउट्स में, कुछ बाकी सारी फाइल्स है उसको भी यहाँ से चेंज करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी की एक्टिविटी, प्राइवेसी पॉलिसी में आप देख सकते हैं, जो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी वहाँ पर जो TXT का फॉर्मेट था जो वहाँ पे था, आपको जो चेंज किया गया है वही चेंज आपको इस एप्लीकेशन के अंदर शो हो जाएगा। index.html में आप देखेंगे इंडेक्स की फाइल्स है, एंड प्राइवेसी पॉलिसी की जो टेक्स्ट की फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप्स में है। तो यहाँ पे आप, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके कोड से भी जा करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे हमारा हो चुका। इसके बाद से जो आपका एड मूव है, एड मूव का जो एड आईडी लगा देंगे string.xml के अंदर, उसके बाद से एड मूव की ऐप आईडी भी होती है, तो ऐप आईडी आप मैनिफेस्ट फाइल में जा करके वहाँ पे आप अपने ऐप की आईडी ऐड करना होगा। बस इतना ही काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो हमारा एप्लीकेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद से इस एप्लीकेशन को एक बार हम रन करके चेक कर रहे हैं। उससे पहले बिल्ड अगर आपको बनाना है, बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड APK क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा आपका डीबग APK क्रिएट हो जाएगा, जो कि टेस्टिंग के लिए। और अगर अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करना चाहते हैं तो इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए आपको साइंड बंडल जनरेट करना होता है, यानी कि .AAV फाइल अपलोड करना होता है। कैसे जनरेट करते हैं उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और उसके बाद से प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करते हैं उसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आपको सारा बेसिक स्टेप्स मैंने समझाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, और उसको बहुत ईजी तरीके से देख करके और अपने एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा एमुलेटर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं लॉन्च सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें वॉइस है, चूँकि वॉइस मैंने म्यूट किया हुआ है, तो वॉइस यहाँ पे आपको नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था, सबसे पहले 3x3 एंड यूजर्स है, अगर वो कंप्यूटर के साथ खेलना चाहता है तो उसके साथ खेल सकता है, अदरवाइज किसी पर्सन के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो प्ले के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक है, म्यूजिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी हेल्प वाले सेंटर से हेल्प में देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इमेज कैसे चेंज करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 3x3 में करना चाहते हैं, अदरवाइज 5x5 में अगर प्ले करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरशियल एड्स होके आएंगे एंड बैनर एड, यहाँ पर दो ऐड है एड मूव का, और यहाँ पर हम थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कुछ हमारा टाइमर्स भी चल रहा है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पे आपका गेम यहाँ से प्ले होगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ पे 5x5 में करेंगे तो 5x5 में ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने डेमो में आपको कंप्लीट चीज़ें बताई हुई है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हम दे देंगे,
ये जो एप्लीकेशन है इसका डेमो, तो वहाँ से आप इसको रन करके चेक कर लीजिए। जब इसको हम प्ले स्टोर पर अपलोड कर देंगे तो प्ले स्टोर का URL भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, आप उसको वहाँ से देख करके ईजिली कर सकते हैं। तो इसका सोर्स कोड के लिए आप हमारे एक इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये पेड है, मेरे लिए आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन बन चुका है, इसके बाद सिर्फ बिल्ड जनरेट करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड बंडल एंड बिल्ड APK पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से हमारा डीबग APK यहाँ से जनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट कर लेंगे, इसके बाद से हमारा जो डीबग APK है यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी इशू आता है तो यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बिल्ड APK सक्सेसफुली हमारा जनरेट होकर आ चुका है। इसके लोकेशन देखने के लिए आप सिंपल सा लोकेट पर क्लिक कर देंगे तो इसका लोकेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा, या फिर इसके कोड में जा करके बिल्ड के अंदर आपको बिल्ड की फाइल मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन बिल्ड के अंदर आउटपुट APK एंड डीबग, इसके अंदर आपको APK यानी डीबग APK आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो ये मेरे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि डीबग APK इसको बोलते हैं। इसका नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, नो इशू। तो इसको आप किसी भी फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी भी एप्लीकेशन का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर कोई भी न्यू एप्लीकेशन बनवानी हो या फिर कस्टमाइजेशन करवाना हो तो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।